कि शिबा इनू की जो बर्निंग रेट है वो इस समय 657% इंक्रीज हुई है। 657% का एक भारी भरकम हमें इंक्रीमेंट इसकी बर्निंग रेट में देखने को मिला है। अब शिबा इनू की जैसे ही इतनी बड़ी लेवल पे बर्निंग हमें देखने को मिलती है, यानी कि जब बर्निंग रेट इंक्रीज होती है प्राइस पे भी हमें थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिलता है, पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिलता है। और जैसे ही ये बर्निंग रेट इंक्रीज हुई, यहां पर हम देख सकते हैं कि कल वैसे मार्केट थोड़ा डाउन था, फिर भी इसने लगभग 6-7% का हमें एक थोड़ा बहुत पंप दिखाया। और यहां पर अगर आप देखोगे कि जिस तरीके से बिटकॉइन हमें एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करता हुआ दिखा रहा है, उसी तरीके से शिबा इनू के चार्ट पर भी हमें एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। तो अब ये डिपेंड करेगा सीधा बिटकॉइन के ऊपर कि बिटकॉइन का सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट होगा या फिर ब्रेकडाउन, उसी के अकॉर्डिंग जो शिबा इनू का सिमेट्रिकल ट्रायंगल है वो भी हमें ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन दिखाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी कि भैया शिबा इनू की जो बर्निंग रेट है वो इस समय काफी इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंडिया से कि इंडिया के जो लॉमेकर्स है वो फॉरेन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं, यानी कि जो लोग ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों को यूज करते हैं इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजों को छोड़कर उनको टैक्स देना पड़ सकता है एक भारी भरकम। जीएसटी की बात करें तो यहां पर जो जीएसटी है, कुछ रिपोर्ट्स में मैंने देखा कि कुछ लोग बोल रहे हैं 25% के आसपास जीएसटी लग सकती है, कुछ लोगों का मानना है कि ये जीएसटी 18% के दायरे में आ सकती है, लेकिन अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। लेकिन इन रिपोर्ट से हमें देखने को मिला है और ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। वैसे तो ये अपडेट हमें पहले भी देखने को मिली है कि भैया जो फॉरेन एक्सचेंजेस है उनके ऊपर सरकार बड़ा टैक्स लगा सकती है, मे बी 30% टीडीएस तक लगा सकती है फॉरेन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के ऊपर। लेकिन अब कुछ रिपोर्ट्स में हमें ये बताया गया है कि जो टैक्स लगने वाला है फॉरेन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के ऊपर या फिर जो जीएसटी लगेगा वो 18% या फिर 25% के आसपास लग सकता है। अब जो क्लियर अपडेट आएगी वो टेलीग्राम पर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं टेरा लूना के बारे में। वैसे मैंने अपडेट आपके साथ मॉर्निंग में शेयर कर दी थी कि बैंक ऑफ फ्रांस के जो गवर्नर है उन्होंने भी क्रिप्टो रेगुलेशन के ऊपर बात करी है कि भैया यूएसटी और लूना का जिस तरीके से कोलैप्स हमें देखने को मिला, क्रिप्टो रेगुलेशन जल्द से जल्द आनी चाहिए, ग्लोबल क्रिप्टो रेगुलेशन के ऊपर उन्होंने बात की। साथ ही जो कोइनबेस है वो 27 मई के आसपास जो लूना है उसकी ट्रेडिंग बंद कर देगा, सस्पेंड कर देगा। लेकिन मुझे अब तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि लूना की जिस तरीके से प्राइस हमें क्रैश होते हुए दिख रही है, कोइनबेस अब तक इसको क्यों नहीं सस्पेंड कर रहा है, ट्रेडिंग क्यों नहीं सस्पेंड कर रहा है। या तो देखो साफ सा मतलब है कि ट्रेडिंग से इनको फीस अच्छी मिलती है, इनका प्रॉफिट ही होता है, तो ये अभी तक ट्रेडिंग बंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि 27 तारीख से कोइनबेस पर जो ट्रेडिंग है वो सस्पेंड हो जाएगी। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट अपडेट भी निकल के आई थी कि टेराफॉर्म के जो लीगल टीम मेंबर्स है, यानी कि जो टेरा फाउंडेशन के लीगल टीम मेंबर्स है वो अभी रिजाइन कर रहे हैं या फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया, क्विट कर दिया है इतने बड़े क्रैश के बाद में। और जहां तक ये अपडेट हमें समझ में आ रही है कि क्यों लीगल टीम अब रिजाइन कर रही है, या तो उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहले पहुंच चुकी है कि भैया टीम का बंटाडाल हो चुका है और टेरा का प्रोजेक्ट का अब शायद आगे कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए जो मैक्सिमम टीम मेंबर्स है लीगल टीम मेंबर्स है उन्होंने रिजाइन करना शुरू कर दिया है। लेकिन जो डोकवाने जो टेरा के कर्ता धर्ता है जो फाउंडर है वो अभी भी मार्केट में टिके हुए हैं और कुछ ना कुछ प्लान आने के बारे में विचार कर रहे हैं। उनके जो दो प्लान थे वो तो कम्युनिटी को पसंद नहीं आए, लेकिन अब जो तीसरा प्लान होगा वो देखते हैं कि किस तरीके से होगा। मे बी वो अपने तीसरे प्लान में बर्निंग को इंक्लूड कर सकते हैं, कुछ ना कुछ बर्निंग से रिलेटेड अपडेट दे सकते हैं, क्योंकि जो कल वोटिंग हुई थी जो मैक्सिमम कम्युनिटी मेंबर्स थे 90% लोगों ने ये वोट किया कि भैया आपका ये जो प्लान 2 है वो सही नहीं है और आपको बर्निंग के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। जिस तरीके से सीजे मैनेस ने कहा था कि बर्निंग से ही कुछ हो सकता है तो बर्निंग के ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए। अब देखते हैं कि प्लान 3 में वो क्या इंक्लूड करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात कि अभी मैं कुछ वीडियोस देख रहा हूं जो कि ये दावा कर रहे हैं कि भैया इस प्राइस से भी लूना की प्राइस $10 तक की बात की जा रही है, मुझे तो ये तक समझ में नहीं आ रहा इस कंडीशन में भी आप $100 की प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हो जब तक इसकी सप्लाई वापस से पहले जैसी नहीं होती है। $100 तो छोड़ो, आप $1 के बारे में भी विचार मत करो, टाइम वेस्ट होगा इससे और कुछ नहीं होगा। साथ ही अगर आप कुछ भी पैसा डालना चाहते हो तो ये ध्यान रखना सीधा गैम्बलिंग की तरह ये यहां से प्राइस और भी ज्यादा डंप कर सकती है या फिर अगर थोड़ी बहुत पंप होगी तो थोड़ा बहुत पंपिंग हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन 1 सेंट 10 सेंट इसका भी कोई टारगेट अभी हमें बनता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ध्यान रखना उन वीडियो से थोड़ा दूर रहना जो कि आपको ये प्रेडिक्शन करके बता रहे हैं कि टेरा की प्राइस $100 के आसपास हो सकती है। ठीक है, $100 की अभी प्रेडिक्शन कहीं से भी नहीं बन रही, हालांकि अगर कुछ ये बड़ा प्लान लाते हैं तब हम मान सकते हैं कि इसकी प्राइस $1 से $5 के बीच में पहुंच सकती है। ओके, सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, चैनल आपके काम करते, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।